पति है वो, डम डम डमरू बजाए मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय कैलाश पति है वो, डम डम डमरू बजाए मैं दास उसी का हूँ। Hey guys, it's Pranjal and welcome back to my channel. So, हम लोग अंबरनाथ में शिव मंदिर में आए हैं। ये बहुत प्यारा मंदिर है, पूरा पत्थरों में बनाया गया है। मंदिर का नाम है अंबरेश्वर मंदिर क्योंकि अंबरनाथ में है। और ये पांडवकालीन मंदिर है, बहुत पहले बनाया गया है, मतलब 1060 ईस्वी सन में बनाया गया है। और इसकी मेन बात कि ये पूरे विश्व में ऐसा मंदिर कहीं पे नहीं है, ऐसे कहा गया है। और अभी ये मंदिर हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है, 2 किलोमीटर के यहाँ पे हैं। तो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। अभी श्रावण मास चालू है इसलिए यहाँ पे महाभोजन भी है 40 दिन, तो वो भी हम लोग खाना खाएंगे और फिर हम लोग पूरा एक्सप्लोर भी करेंगे। सो या लेट्स गो। सो ये पूरा पत्थर से बना हुआ मंदिर है और आज रश भी है क्योंकि श्रावण मास चालू है और उसमें आज शनिवार है, इसलिए आज यहाँ पे रश है। सो हम लोग अभी अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं कैसा मंदिर है। सो दिस इज़ इनसाइड द मंदिर। ये बहुत ऐसा मस्त लग रहा है, पूरा पत्थरों से बनाया हुआ है और मेन मतलब बहुत छोटा से रास्ता है, मतलब वहाँ से अंदर जाना है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, लाइक बहुत मतलब बहुत पुराना, पूरा जंगल में था, अभी वो पूरा ऐसा प्रॉपर उसको बनाया है। सो हम लोग वो पूरा एक्सप्लोर करते हैं एंड देन मैं आपको एक एक क्लिप्स दिखाती हूँ कैसे क्या है। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी। श्रावण मास चालू है इसलिए यहाँ पे महाप्रसाद भी है, वो भी 40 दिन महाप्रसाद होने वाला है पूरा श्रावण महीना। तो उसमें ये छोले की भाजी और राइस है और मैंने ये टेस्ट किया, बहुत ही यम्मी था, बहुत मस्त था, डिलीशियस था। पेट भर खाना खाने के बाद हम लोग ने यहाँ पे मस्त अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाले। मंदिर में ही साइड में एक मंडप में ये शंकर भगवान का सब डेकोरेशन किया था और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे थे और बहुत सच में अच्छा था। पूरा ये मंडप में लोग ही थे, बहुत सारी गर्दी थी और ये इतना प्यारा लग रहा था मंदिर, बहुत सही था। पूरे पत्थरों में ये मंदिर बनाया हुआ है 1060 ईस्वी सन में और बहुत यूनिक मंदिर है ऐसा कहा गया है। आज यहाँ पे रश भी है और अच्छे से व्यवस्था की है, भक्तों को एक मंडप डाला है बारिश की वजह से और बहुत अच्छे से लाइन से लोग दर्शन लेके यहाँ पे महाभोजन का लाभ लेके घर पे जा रहे हैं। ये साइड में ही एक रिवर है, ये रिवर है ना मंदिर के एंट्री के यहाँ पे ही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट्स वगैरह करते हैं और ये बहुत प्रेशर से पानी है यहाँ पे, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया है, डू चेक आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।